अस्सलामुअलैकुम। देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ उड़द की दाल के मेंदू वड़े। मैंने दाल 5-6 घंटा भिगा के रख दी थी, अब इसको पीसेंगे। और ये 8-10 हरी मिर्च है जो मैंने लाल कलर की भी ली हूँ, और ये थोड़ी लहसुन की कलियाँ, इनको भी पीस लेंगे इसके साथ ही। ये पीसते वक्त इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, अगर ज़रूरत लगे तो सिर्फ 1 चम्मच पानी डाल लो। देखिए ये लास्ट में थोड़ी सी दाल बची है, इसके साथ में ये डाल दूंगी मैं हरी मिर्ची और लहसुन। अब ये इसमें काली मिर्च कुटी हुई और टेस्ट के हिसाब से नमक, और ये थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट तक के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें थोड़ी हवा जैसे हो जाए दाल में। दाल में थोड़ी हवा बनाने के लिए इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, 5 मिनट तक के ऐसे ही मिक्स करते रहेंगे इसको। देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ मैं, अभी इसको 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी, फिर बनाएंगे हम मेंदू वड़े। ये मेंदू वड़े बनाने के लिए 1 चम्मच पहले इसको भिगा लेंगे, और अपने हाथ पे भी थोड़ा पानी लगाएंगे। और हाथ पे पानी की वजह से ना ये जल्दी से तेल में चला जाता है, ऐसे एक हाथ से दूसरे हाथ पे कितनी आसानी से आ गया है ये। अब मैं डालूंगी इसको तेल में, ये तेल गरम हो चुका है, ये है लो फ्लेम पे। क्या मैं तेल में पहले भी ये बना चुकी हूँ, इसलिए उसके ये दाने आ रहे हैं बीच में, बस ये कई तेल है ये। माशाल्लाह बहुत अच्छे बन रहे हैं। ये मैंने अभी डाली है, इसे इसको थोड़ा होने देंगे और डाल लेते हैं। लो मीडियम पे है ये, इसकी गैस की फ्लेम एकदम लो नहीं है, लो मीडियम पे है। और अब ये जो हो चुके हैं उनको मैं निकाल लेती हूँ, आवाज़ निकल नहीं रही है रोजे की वजह से। ये देखिए उड़द की दाल के मेंदू वड़े, इसको माश की दाल भी बोलते हैं, और ये दाल कमर के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। ये जब 2-3 हो चुके हैं इनको मैं निकाल लेती हूँ। वाह देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह मेंदू वड़े बन चुके हैं, पूरे रेडी हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं इफ्तारी करने, अजान होने वाली है, 5 मिनट बाकी है। सब बैठे हैं दुआ मांग रहे हैं।